सूरत हो। अरे ये किधर भागता? अरे सर, कल रात से मेरी बहन लापता है, वो ऑफिस से भी नहीं लौटी। सर मेरे तो चारों तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? सर इस शहर से इस तरह 18 लड़कियां गायब हो चुकी है, सब मुझे शक ही नहीं यकीन है, ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप इस सबकी डिटेल कल जागरण पेपर में पढ़ लीजिएगा। लगता है तुम पत्रकार हो। हाँ मैं पत्रकार हूं, लेकिन वो पत्रकार नहीं जो रईस बदमाशों के मुंशी होते हैं, रखेल होते हैं। मैं पैसे की थाप पर कलम से ठुमके नहीं लगवाता, मैं उनमें से हूं जो कलम की नोक से झूठ का सीना चीर देते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जाइए, आप अपना काम कीजिए और विश्वास कीजिए मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर तो उस पत्रकार ने धमकी भी दे दी थी कि उसे सब कुछ मालूम है। बहन का मामला था ना, इसीलिए वो अपने गुस्से को रोक ना सका और वो अपनी मौत भी नहीं रोक पाएगा। तुम्हें इस खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। Oh!
हवा हवलदार, आज तक तो यही होता आया है। लॉकअप की नकली कुंजी हम जैसे लोग बनवा के रखते हैं और असली कुंजी तुम्हारे पास होती है, लेकिन आज के बाद सब उल्टा होगा। उल्टा लॉकअप की नकली कुंजी तुम्हारे पास होगी और असली कुंजी मेरे पास होगी। इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। सर मैं हवलदार राम साखरे बोल रहा हूँ। सर बोलो। सर कपाली यहाँ आया था, उसने इंस्पेक्टर शर्मा को बुरी तरीके से घायल कर दिया है सर, और सर उसने उसको लॉकअप में बंद करके चाबी अपने साथ ले लिया है सर। छिपा रहा तो चूहे की मौत मारा जाएगा, और अगर बाहर निकल आया तो गीदड़ की मौत। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए। कबाली की जान लेना तो यमराज के लिए भी बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर। अगर तेरे में हिम्मत है तो पहले ये लॉकअप की कुंजी उठा करके बता। ये ले। अरे इसे क्यों उतार रहे हो? क्या सरकार ने एक ही वर्दी दी है तुमको? मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बीमार कुत्ते का खून मेरी ईमानदार वर्दी पर लगे, और मैं भी नहीं चाहता कि तेरे जैसे ट्रेंड कुत्ते का खून कपाली के इस बदन पर लगे। तेरा सारा खून निचोड़ कर यही बांधूंगा, यही। मेरे नसों में खून के साथ साथ बारूद भी बहता है, और आज तुझे इस बारूद के धमाके भी सुनने पड़ेंगे। ही कपाली है जिसका नाम सुनकर ही आप लोग कांपने लगते थे, मगर गौर से देखिए आज ये खुद कांपने के लायक नहीं बचा। लोग कहते हैं कि जब कोई चीज बांझ हो जाती है तो वो कुछ पैदा नहीं कर सकती। गलत है ये, इसलिए कि जब लोगों की बहादुरी बांझ हो जाती है तभी कपाली जैसे गुंडे पैदा होते हैं।
अगर आप लोग ये चाहते हैं क्या आप लोगों की खुदी को मिटाने के लिए अगर गुंडों की खुदाई भी आ जाए और मिटा ना सके तो आप लोगों को खुददार बनना पड़ेगा। खुददार, खुददार, खुददार। अगर आप लोगों में से हर आदमी खुददार बन जाए तो सिर्फ इस इलाके में क्या पूरे देश में कपाली जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो उनका अंजाम इससे भी ज्यादा दर्दनाक और भयानक होगा। मैं यहां पर नया नया आया हूं, मेरी ये वर्दी देखकर आप लोग ये तो जान गए होंगे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मगर ये नहीं जानते होंगे कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मैं कपाली जैसे गुंडों को पुलिस स्टेशन और थाने ले जाने से पहले उनकी इतनी मरम्मत करता हूं कि वो अपनी शक्ल पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। हाँ, मगर वो इंसानियत और कानून को अच्छी तरह से पहचानने लगते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद इस इलाके में ना किसी गुंडे को पनपने दूंगा और ना ही गुंडराज बनने दूंगा। गुस्से में आदमी की जबान और हाथ ज्यादा चलने लगते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर सिद्धांत के साथ शायद यही हुआ। यस सर, शायद यही वजह है कि इसने कपाली को इतना मारा कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। सर, उसके जरिए हम दूसरे मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते थे। मिस्टर सिद्धांत को इतने गुस्से में नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये सच कहते हैं। तो क्या करता मैं, आप ही लोग बताइए क्या करता मैं। जब शहर की तकदीर हरामी हो जाती है तब कपाली जैसा एक हराम ज्यादा पैदा होता है। वो पुलिस लॉकअप से कुंजी नहीं, हम पुलिस वालों की मर्दानगी उठा कर ले गया था। उसने एक जर्नलिस्ट का नहीं, एक आवाज, एक इनकलाब का खून कर दिया था। और जिस बुरी तरीके से उसने हमारे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बीच सड़क पर मारा, उस गली के कुत्ते भी यह सोचकर खुश होते होंगे कि उनकी जिंदगी हम पुलिस वालों से तो अच्छी है। सर, कपाली की खुना इतनी भयानक है कि अगर किसी पुलिस वाले को उस पर गुस्सा नहीं आता तो यह समझा जाए कि वो इम्तहान देकर वर्दी का हकदार तो बन गया है मगर वर्दी का सच्चा वफादार नहीं। यह सच है सर, हालात कभी ऐसे भी हो जाते हैं कि गुस्सा आ जाए, मगर यह भी सच है मिस्टर सिद्धांत कि अगर तुम अपने गुस्से को काबू में रख लेते तो वो कम से कम बयान देने लायक तो रह जाता। सर, मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा था, इसलिए वो कम से कम जिंदा रहने के लायक जरूर है। द मीटिंग इज ओवर। सिद्धांत, उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर, हॉस्पिटल में कपाली के चारों तरफ और भी सख्त पहरा लगा दो। सर, और हाँ, डॉक्टर से कहना जैसे ही वो होश में आए फौरन तुम्हें फोन करें। यस सर। गुड लक। सर, कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। क्या समझता है प्रिंसिपल अपने आप को? हमारे डिमांड्स की कुछ वैल्यू ही नहीं? देख लेंगे हम सब लोग मिलकर इसको। हम लोगों ने जो सोचा वही हुआ। प्रिंसिपल ने हमारी बात नहीं मानी, मगर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आप लोगों को मालूम है हमारे कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है? इसे कम करने के बारे में हमारी प्रिंसिपल साहब से आधा घंटे बहस हुई, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं वाइस चांसलर से बात करनी होगी। ये सब बहाने हैं। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होगा। फिर हम कॉलेज में तोड़फोड़ मचा देंगे। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों की लीडर हूँ। अगर प्रिंसिपल साहब ने हमारी बात नहीं मानी तो मैं अभी इसी वक्त अपने आप को जलाकर राख कर डालूंगी। राजेश, पेट्रोल लाओ। प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद, रंजा दूरी, जिंदाबाद। प्रिंसिपल साहब, मुर्दाबाद। शराब। कॉलेज की फीस क्या थोड़ी बढ़ गई?
आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये पाउडर जो आपने लगा रखा है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। ये लिपस्टिक जो आपने पोत रखी है ना, इसकी भी कीमत बढ़ चुकी है। तब हंगामा क्यों नहीं खड़ा किया आप लोगों ने? स्टूडेंट और विद्यार्थी कहलाते हैं आप लोग। विद्यार्थी वो होते हैं जो विद्या का अर्थ निकालते हैं, मगर आप लोग तो विद्या की अर्थ ही निकाल रहे हैं। छोड़ दो मुझे, तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ। तुम भी नहीं जानती कि मैं किस किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं तुम्हारा ट्रांसफर हफ्तों में यूं करवा सकती हूँ। मैं भी तुम्हारा दिमाग मिनटों में ठीक कर सकता हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। तुम भी मत भूलो कि मुझे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई अपना बड़े आदमी से रिश्ता बताकर मुझ पर दांव जमाने की कोशिश करता है, समझे तुम? नंदू भैया बचाओ ना, डरपोक कहीं का आया माँ। अरे सिद्धांत ये क्या कर रहा है, छोड़ दे इसे। नारायण नारायण नारायण, भाई बहन के बीच में महाभारत या हैरत। अरे मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। छोड़ दो। तुम जानती हो उसने कॉलेज में क्या बदमाशी की? इस उम्र में बदमाशी नहीं करेगी तो क्या संन्यास ले लेगी? तुम इसे बिगाड़ दोगी आया माँ। टिकट न दे इसे, आप अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो बहुत मार खाएगा। आपने कभी मारा है इसको? हाँ बचपन में बहुत मारा है। मैं एक बात बोलूं, आप बहुत झूठ बोलती हैं। नहीं है ऐसा नहीं, मतलब आपने न कभी इसको डांटा है न कभी मारा है, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सचमुच ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानती थी आखिर मैं आप भैया का ही साथ देने वाली है। नारायण नारायण ये तो बहुत गर्म है, मगर ये बताइए मंत्री जी कहाँ हैं? वो बाजार गए हैं। बाजार गए? पिए यहाँ खड़ा वो बाजार गए? मैं भी आता हूँ। अरे सुनो। क्या? ये ग्लास ले दो, पहले बहुत से ग्लास चोरी हो चुके हैं। तो सब मैंने थोड़ी चुरा है। अरे सर जी सर जी, अरे नारायण नारायण, वो मैं भूल गया, देखो ये क्या है? साइकिल है। अरे आप होम मिनिस्टर होके साइकिल पे? सर आपको तो हेलीकॉप्टर में होना चाहिए था। सब्जी खरीदने के लिए साइकिल अच्छी है सर। सब्जी खरीदने के लिए आप जा रहे हैं? नारायण नारायण, नहीं नहीं सर नहीं। मुझे तो सब्जी काटने में और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। आप मंत्री होकर अगर सब्जी काट सकते हैं तो फिर आपका पीए होने के नाते मुझे तो घास छीलनी पड़ेगी फिर। मैं तो अपने गार्डन में घास छीलता हूँ। आप अगर मंत्री होकर घास छीलते तो आपका पीए होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या सर, आपका पीए बनने में कितना खुश हुआ था। मैं समझा था कि मैं कैश कमाऊंगा, ऐश में रहूंगा। आपका पीए तो बन गया, मगर लगता है बिना खाए पिए ही मर जाऊंगा सर। थोड़ा कमा लेना ना सर। ईमानदारी से जीना सीखो, उससे अगर कुछ बनता नहीं तो बिगड़ता तो नहीं ना। अरे क्या भगवान, मैंने तुझसे कहा था माशूका गद्दार मत देना, मालिक ईमानदार मत देना, तूने दोनों गड़बड़ कर दिया ना। ये क्या मालिक है, एक पैसा कमाने नहीं देता, देख जेब खाली है। मेरी कहानी फिर से लिखना, मैं आगे मिलता हूँ। अरे मालिक सर, मैं ये नहीं कह रहा था कि आजकल के जमाने में इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बेईमानी करना चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उगी नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए तो वे करेंगे ना सर, नहीं तो पैसा नहीं मिला मजा नहीं आएगी। देखो गलत कमाई करने से कभी कभी सर पे इतने जूते पड़ते हैं कि आदमी सचमुच गंजा हो जाता है। क्या बात करते हैं? अरे सर ये अच्छा हुआ कि कपाली को अब तक होश नहीं आया। जब तक उसे मौत नहीं आती उसके होश में आने का चांस बाकी है। जेनी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आज इस शहर में एक खास प्रोग्राम है, फिलहाल तो तुम इसे देखो। Thank you.
Hello, baby. Hey, listen, baby. What you do tonight? Oh, shut up. Hey, come on. Let's have dinner, okay? With you and O. What? I mean, fun or no? Hello.
डार्लिंग, खूबसूरत लड़कियों में नजाकत और अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम कौन हो? बेबी डॉल। हम खूबसूरत लड़कियों की नंगी तस्वीरें खींचते हैं, मतलब ब्लू फिल्म बनाते हैं। कपड़े उतारो और बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं, अगर तुम प्यार से मान जाओ तो ठीक है। हम मुर्दों पर कफन डालने में जितना टाइम लगाते हैं, उससे भी कम टाइम में इज्जतदारों के जिस्म से कपड़े उतारते हैं, समझे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। स्टार्ट। मुझे जाने दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कुछ मजा नहीं आ रहा है, पहले से कपड़े अपने फाड़। कमीने, कुत्ते, छोड़ दो मुझे। लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। ये ले। जबरदस्ती मुझे स्टेज से उठा कर ले गए और लोग ब्लू फिल्म बनाते हैं। मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। प्लीज चलिए मेरे साथ, वो लोग सामने वाले स्टेडियम में। चलिए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जगह जहां वो बदमाश मुझे लेकर आया था, उसी दरवाजे से। और यहाँ गुंडे खड़े थे और वहां कैमरा मैन था, कालीन बिछाया गया था, मगर अब तो यहां कोई नहीं है। पता नहीं कहां चले गए सब। मैं सच कह रही हूं इंस्पेक्टर साहब, यहां कैमरा था, गुंडे थे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं उड़ते हुए कबूतरों के पर गिन लेता हूं। सुनिए तो, आप ऐसे मत चले जाइए। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल। अपनी रातें सड़कों पर ही काटती हो या तुम्हारा कोई घर भी है? हाँ सर, मेरा अपना घर है, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? थैंक यू। यही मेरा घर है, आइए ना मेरे घर में, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, आइए। रात के सन्नाटे में अकेले मिलना, बदन पर इस तरह के तंग कपड़े, झूठे ड्रामे के सहारे किसी को अपने घर तक ले आना और रात के 2 बजे घर के अंदर चलने की दावत देना, बोलो अपने आप को कितने में बेचती हो? जी? तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बहुत बुरा सलूक करना चाहिए, मगर मैं उनमें से हूं जो बाजार की गंदी नालियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ए साहब, ए, रुक जाओ, एहसान जताकर मत जा, सुन ले मेरी बात। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। अब मुझे देखकर एक चीज तुम भी समझ लो कि हर वो चीज जो काली होती है वो कीचड़ नहीं होती। ओ मानिया, सलीम अल्बर्ट,
बच्चे हैं जिनके पास मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इन्हीं के लिए स्टेज शोज करती हूं मैं। अब रहे मेरे कपड़ों की बात, मैं अपने टांगों का मांस इसलिए दिखाती हूं ताकि इन सैकड़ों टांगों पर मांस नजर आता रहे। बोलो अब कैसे लगती हूं मैं, बाजारू औरत तो नफरत करो मुझसे, गंदी नाली तो थूको मुझ पर, समाज का कैंसर तो फांसी लटका दो मुझे। तुमने तो किसी न किसी औरत का दूध जरूर पिया होगा, तुम्हें उसी दूध की कसम, मैं जैसी लगती हूं वैसी ही सजा दो मुझे। पवित्र गीता को पहले इसी तरह माथे से लगाता हूं फिर होठों से इज्जत देता हूं। लेकिन मैं, तुम में भी एक महाभारत है, तुम्हारे हर शब्द में क्रांति है, तुम भी पवित्र गीता की तरह हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सलूक करना पड़ा। नंदो, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? एक काम था, मैं काम कर रहा था भैया, देशभक्ति पर एक फिल्म बन रही है, मैं उसी की शूटिंग कर रहा था। ये तो अच्छी बात, फिर इतना चोरी चोरी क्यों जा रहा था? वो बहुत रात हो गई थी ना भैया, इसलिए। देख मेरी दो बातें याद रखना, एक तो ये के काम के लिए कभी दिन रात मत देखना, और दूसरी बात कि चोरों के कदमों की आवाज मैं अपने कानों से सुनता हूं, मगर अपने भाई के कदमों की आहट मैं अपने दिल से महसूस करता हूं। इसलिए एक बार मुझसे चोर बच सकता है, मगर मेरा भाई नहीं। चल जा, जाके सो जा। थोड़ा लग रहा तुझे? चल पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं भैया, आप ही जाओ ना। अरे तू तो एक आम आदमी की तरह पुलिस स्टेशन के नाम से घबराता है, तेरा भाई इंस्पेक्टर है, नाउ कम ऑन। अच्छा हुआ अपनी जीप से वो ऑटो रिक्शा वाला टकरा गया, फायदा अपना हुआ ना।
उस रिक्शा वाले का पूरा रिक्शा डैमेज हो गया, अपनी जीप की तो सिर्फ कांच ही निकली है। अपना माल बनाते जाओ, कोई देखने वाला नहीं है। सब साले ऑफिसर यहाँ माल कमाने के चक्कर में है, अपन क्यों नहीं कमाए? कोई ना देवे उसको दो तो डालने का। बेल्ट्स। धुलाई उन्हीं कपड़ों की होती है जिन पर मैं लगा हो, समझे? साहब गलती होगी साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती होगी माफ कर दो। गलती नहीं, जुर्म किया है तुम लोगों ने, और जुर्म के लिए माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। नंदू कहाँ चला गया? ओह, कॉलेज चला गया हुआ। ये 11 बज गया, अभी तक सब इंस्पेक्टर वर्धन क्यों नहीं आए? सर वो हमेशा लेट ही आते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो क्या है कि मैं किसी दूसरे मूड में था, इसलिए मैंने वो सिगरेट काम फेंक। तुमने अपनी घड़ी तो खरीद के पहनी होगी। जी? इसकी कीमत जानते हो? जी। तुम घड़ी की कीमत तो जानते हो, मगर वक्त की कीमत नहीं जानते। ओह, वो क्या है सर, कल नींद नहीं आई और कुछ सुस्ती सी भी आ रही थी, इसलिए दारू कुछ ज्यादा पी गया। मिस्टर आदर्श वर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। सर, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं, आप कमरे के अंदर भी मुझे यह भाषण दे सकते थे। यह भाषण नहीं, यह मेरी वार्निंग है मिस्टर आदर्श वर्धन, और मेरी वार्निंग तुम्हारे सिगरेट केस के ऊपर लिखी हुई वार्निंग की तरह नहीं, जिसे तुम भूलकर सिगरेट के कष्ट लगाया करते हो। मेरी वार्निंग कानून की किताब के उस फुल स्टॉप की तरह है, जिसके बाद कुछ भी करने या सोचने की जगह नहीं बचती। जाओ। पूजा, तुमने गुंडों को पहचान लिया है, तुम्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए वो तुम पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, इसलिए अब तुम्हारे अपने घर में रहना ठीक नहीं। तुम्हें एक महफूज जगह पर रखा जाएगा जिसका किसी को पता नहीं चलेगा, वहां पर पुलिस का पहरा भी रहेगा। तो आप मुझे छुपा देना चाहते हैं? हाँ, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। अब रहे बच्चे, तो मेरे पिताजी के गुरुजी हैं जिनका आश्रम चलता है, मैं गुरुजी से विनती करूंगा कि बच्चों को अपने शरण में ले लें, ताकि तुम्हारी आत्मा पे कोई बोझ न रहे। मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? जरूरत है पूजा। क्यों? मैं चाहूंगा कि इस क्यों का जवाब तुम खुद ही तलाश करो। वैसे भी इस दुनिया में हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है। खूबसूरत
थे, फूल बेजान थे, प्यार जब तक न था हम परेशान थे, रंग वीरान थे। चाहत है सुनिए। स्वामी जी कहाँ होंगे इस वक्त?
प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो। चरण छूने वाले से अच्छा व्यक्ति वो होता है जो हृदय छू ले। कहो कौन हो तुम? स्वामी जी मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धांत है। मैं आपके शिष्य शास्त्री जी का बेटा हूँ। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो त्याग के बल से इतने महान हो जाते हैं कि उनके गुरु को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है, और शास्त्री मेरा ऐसा ही शिष्य है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। कहो किस उद्देश्य से आना हुआ? स्वामी जी मैं शहर में 100 से भी अधिक कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपाहिज भी हैं और अनाथ भी। मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप उन्हें अपनी शरण में ले सकें तो। शरण में नहीं, ये समझो कि मैंने उनको अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन बच्चों में भगवान बसा करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि इन भगवान के चरणों में ही मेरी जिंदगी का अंत हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी सर, कपाली की हालत सुधर रही है, धीरे धीरे उसे होश आ रहा है, और मैं समझता हूं कि कुछ ही देर में वो बयान देने काबिल हो जाएगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, देखिए बहुत अर्जेंट मैसेज है जो इंस्पेक्टर सिद्धांत को देना है। हेलो, अरे किसने फोन उठाया ये? हेलो बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो डॉक्टर का फोन आया है कि कपाली होश में आने वाला है। कपाली को किसी भी तरह हॉस्पिटल से निकालना होगा। अगर होश आने पर उसने हमारे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। कपाली इतना कमजोर नहीं है बाबूजान, जो इतनी जल्दी सबको चुगल दे। मिस्टर सलीम शूटर, इंस्पेक्टर सिद्धांत सूरी के मार के सामने गूंगे भी गजल गाना शुरू कर देते हैं। अंदर आ जाओ बाबूजान। परेशान होने की क्या बात है? बात साफ है, शरीर का जो अंग सड़ जाए उसे काट कर फेंक दिया जाता है। कपाली को खत्म कर दो। ये तुम कह रही हो? तुम तो उसकी महबूबा थी, रखेल थी। बाबूजान, मैं वो फूल नहीं जो किसी लाश पर फेंका जाता हो। मैं वो फूल बनना चाहती हूँ जो हमेशा जीते हुए आदमी की जयमाला में रहना चाहता हो। तुम बॉस बन जाओगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आपका जन्मदिन था, पिछले गेट के क्राउड को कंट्रोल करो। जाओ जाओ
जाओ जल्दी से लाश का पंचनामा करो। पीछे हटो, पीछे हटो, यहां से पीछे। विजय विजय हटाओ, हटाओ सबको विजय यहां से, सबको पीछे हटाओ, कोई तमाशा नहीं हो रहा यहां पर। हमें कपाली की लाश भी चाहिए। हाँ तुम तो उसकी असली वारिस हो, तुम्हें तो लाश मिल ही जाएगी। हाथ पीछे। अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसे इज्जत के साथ, जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए हैं। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली? भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने? कुछ भी था वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है, एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था, जो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था। मगर आज आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं, गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती, हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। अबे हट, अबे हट, हट। मुझे कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसे अपाहिज कर दूंगा। तुम्हारा जन्मदिन कब है? मेरा जन्मदिन उसी दिन होगा जब तुम्हारा जन्मदिन होगा। पाली को सबसे पहले होश में आते मैंने देखा था और सबसे पहले मैंने ही आपको फोन किया। इम्पॉसिबल। अगर आपने मुझे सबसे पहले फोन किया होता तो कातिल के पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर सिद्धांत यहाँ होता। आप मेरी बात के यकीन कीजिए कि मैंने आपके थाने फोन किया था और किसी आदमी ने फोन उठाया था। मैंने कपाली के बारे में सारी बातें उसे बता दी थी ताकि आपको खबर दे सके। कौन था वो? मैंने उससे बार बार पूछा कौन हो तुम, कौन हो तुम। उसे जवाब तो नहीं दिया लेकिन फोन कर दिया। Thank you.
उस दिन तुम्हें कहा था कि भाषण देना हो तो बंद कमरे में दूं। आखिर तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया। बताओ, कल जब डॉक्टर का फोन आया तुमने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैंने फोन नहीं उठाया। झूठ बोलते हो तुम। तुमने कपाली का मर्डर कैसे करवाया? मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ है ये सब। झूठ वो है जो तुम बोल रहे हो। सबसे पहले तुम्हें को खबर मिली थी कि कपाली होश में आने वाला है और तुमने ये खबर गुंडों को पहुंचा दी, इसलिए पुलिस पहुंचने से पहले गुंडे वहां पहुंच गए और उन्होंने कपाली को मार डाला। पता नहीं अंदर क्या हो रहा, कुछ खास बात हो रही होगी यार। तेरे को क्या, तू चुप कर खाली। जिन लोगों के साथ मिलकर तुम कानून का बलात्कार करते रहे, अगर कल सुबह 10 बजे तक उन लोगों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हारे जिस्म को वर्दी की जगह जख्मों का लिबास पहना दूंगा और फिर तुम दर्द से इतना तड़पोगे कि उसके बाद मौत को भी चखोगे तो यही कहोगे कि मजा नहीं आया। सर अर्जेंट कैसे? सर आओ, और हो सके तो मुस्कुराहट का कफन अपने होठों पे डाल दो ताकि अपने छोटों के सामने बेइज्जत होने से बच जाओ। मजा आ गया ना? बहुत मजा आ गया। अरे कोई साहब को कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कल 10 बजे। कोल्ड ड्रिंक सर। पिताजी, जब आप पुलिस डिपार्टमेंट में डीएसपी थे उस वक्त सिद्धांत के पिता शास्त्री जी मंत्री थे। उन्होंने आप पे आरोप लगाया था कि आप एक ईमानदार ऑफिसर नहीं, आप करप्ट हैं, आप रिश्वत लेते हैं। वो आपको नौकरी से निकाल देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बदनामी के डर से आपने मैं आपकी मौत के साथ साथ अपनी बेइज्जती का भी बदला लूंगा। मैं नफरत के मोहरों से दुश्मनी का शतरंज उसी की बिसात पे खेलूंगा और ऐसी मात दूंगा, ऐसी मात दूंगा कि मौत भी रो पड़ेगी पिताजी। स्वामी जी, आप तो सब जानते हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। जब पूजा से बात नहीं बनती तो यज्ञ किया जाता है, और याद रखो यज्ञ की अग्नि में बहुत कुछ भस्म कर देना पड़ता है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन आगे भी तो बताइए कि मैं क्या करूं। आदमी के पास जिस प्रकार का अस्त्र शस्त्र हो उसी प्रकार का युद्ध लड़ना चाहिए, तभी उसको सफलता मिलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धांत। जिनकी आत्मा पर बोझ होता है कभी कभी उनकी जबान साथ नहीं देती, शायद इसीलिए तुम अपना बयान लिख कर लाए हो। यह मेरा बयान नहीं, रेजिग्नेशन लेटर है, त्याग पत्र। अब मैं इस वर्दी के पिंजरे से आजाद हो चुका हूं।
ना तुम मेरे सीनियर और ना मैं तुम्हारा जूनियर। अब मुझसे सवाल करने के लिए तुम्हें अदालत के दरवाजे खटखटाने होंगे। जब तक मैं तुमसे तुम्हारे सारे गुनाह ना कबूल करवा लूं, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा रेजिग्नेशन लेटर कमिश्नर साहब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये तो उसकी जरा कॉपी है, और वैसे भी लोग तुम्हें कानून की जरा कॉपी ही समझते हैं, इसलिए तुम जरा कॉपी के ही लायक हो। कमिश्नर साहब को पता है कि इस वक्त मैं तुमसे मिलने आया हूं। हद से बाहर मत निकलो, वरना कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में फुल स्टॉप तो क्या कॉमा भी नहीं लगा सके, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फुल स्टॉप जरूर लगाऊंगा। सरजी, वाह, बाप बेटी दोनों यहीं हैं। बड़ी जबरदस्त खुशखबरी लाया हूँ। आपने कहा था ना बहना के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आओ, तो मैं रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे वाह, फिर वही रिश्ता। अरे तू क्या आते जाते मेरे पैर पे मार के तोड़ती, तेरे को कोई और मिलता नहीं क्या? ये तो मेरा है। आपके पास कहाँ से आया? पता नहीं, हाथ लगाया तो शायद हाथ में आ गया होगा। दीजिए, ये लो जाओ। सर बड़ा अच्छा रिश्ता लाया हूँ, वो बहुत बड़े लोग हैं। कमल राय कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, हिंदुस्तान में उनके 50 ऑफिस है, 400 ट्रक है, 1200 करोड़ के मालिक, बहुत नाम वाले लोग हैं। ईमानदार हैं? ईमानदार वो तो मैंने पूछा नहीं, वो आप आए तो पूछ लेना। मगर मुझे लगता नहीं कि ये रिश्ता हो सकेगा। क्यों? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो लड़के के बाप है, आप लड़की के बाप है, और लड़के का बाप लड़की के बाप से जहेज तो मांगेगा, और जैसे ही बाप से जहेज मांगेगा आप उसको इतना लंबा भाषण पिला देंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। कुछ होने वाला नहीं, मैं भी हवा की जमीन पर धुएं की दीवार से किला बनाता रहता हूँ। फिर भी ले आऊं तो बुला के ले आऊं? अच्छा रहेगा, बात हो जाए, फ्लॉप तो होने वाली है। मैं भी उल्लू का पट्टा खामा खा की टेबल टेनिस खेलता रहता हूँ। सेठ जी, सेठ जी आइए आइए। नमस्ते जी। नहीं नहीं, मैं तो पिए हूँ, उधर हो आप, कहाँ थे इतनी देर से, आइए। सर ये लीजिए। नमस्कार। ये लड़के के बाप है, ये लड़के की माँ है, ये लड़के का मैनेजर है, और ये उसके पिता है। नहीं नहीं अंकल, आपने सब गड़बड़ कर दी, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे? लड़का मैं हूँ। अच्छा, ये मेरे पिताजी हैं जी, ये मेरी माताजी हैं। नमस्ते। और ये हमारे मैनेजर साहब हैं। पर तुमने तो कहा था तुम लड़के की माँ हो। मैंने? अच्छा आप लोग बैठिए ना। हाँ मैं भी वहाँ बैठ जाता हूँ, सब फ्लॉप तो होने वाला है, आपने क्या करने का। अच्छा क्या काम करते हो? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और डैडी के सारे बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, हम दोनों पति पत्नी 6 महीने तो तीरथ पर रहते हैं। हाँ जी। अच्छा आप लोग दहेज में क्या लेंगे? हमें बहू के अलावा दहेज में कुछ नहीं चाहिए जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात यही होगी कि हमारा रिश्ता आपके यहाँ तय हो जाए। कन्हैयालाल, हेलो कन्हैयालाल। क्या हुआ? फ्लॉप हो गया ना? अरे फ्लॉप नहीं हुआ, मामला तय हो गया। मिठाई तो खिलाओ सबको। शादी पक्की हो गई? अरे मुबारक हो, लो सर को मिठाई खिलाओ। जल्दी खोलो यार, ये लीजिए। ये तो खाली है। तो तुम क्या खाली डब्बा लेकर आए थे शादी करने के लिए? नहीं नहीं अंकल, वहां से तो भरा हुआ लिए थे हम लोगों ने। भरा हुआ मतलब तो क्या मैंने खा लिया? नहीं नहीं मेरा। अरे वाह, देखो सर ये ईमानदारी का जमाना है। मैं आपके बेटे का यहाँ रिश्ता पक्का करने आया तो बोलता है मैं मिठाई खा गया, कल बोलेगा मैं जहेज खा गया, फिर बोले मैं सुबह सेट खा गया। वाह वाह वाह, शराफत की दुनिया ही नहीं है। कुछ मीठा मीठा तो लग रहा है यार, मैंने खाया था क्या? खामखा बेचारे को डांट दिया, ऐसा नींद में क्यों जाता मालूम नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी बहन की शादी तय हो गई है। शादी में मुझे बुलाओगे ना? वो शादी ही क्या तेरी दावत नहीं जिसमें, और वो आँख ही क्या तेरी सूरत नहीं जिसमें। तेरी चाहत नहीं।
बाबूजान, वो लड़की जो उस दिन हमारे चुंगल से बचकर भाग गई थी, पूजा, वो मेरे भैया के कब्जे में है और वो उसे प्यार भी करने लगे हैं। फिर वो मुझे जरूर पहचान लेगी और मैं उसे बच नहीं पाऊंगा। और भैया, भैया तो मुझे जान से मार डालेंगे। तुम कुछ करो बाबूजान, तुम उसे जान से मार डालो, उसे मार डालो बाबूजान, वरना मैं मर जाऊंगा बाबूजान। ये बंद करो और मेरी बात सुनो, तुम उसे मरवा दो, वरना भैया मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बाबूजान, याद रख, रावण की मौत नहीं होती अगर उसका छोटा भाई नहीं होता। पूजा कहाँ है? हाँ, मैं जानता हूँ, भैया ने उसे कहाँ रखा है। हेलो सर, मैं हवलदार रमन्ना बोल रहा हूँ। कुछ गुंडों ने उस घर पर हमला कर दिया है जहाँ आपने पूजा जी को रखा है। आप जल्दी आ जाइए। सिद्धांत, ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन सब पर गहरा जख्म लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इंस्पेक्टर सिद्धांत, आपका डिपार्टमेंट मुजरिमों के खिलाफ गवाह तो तैयार कर लेता है लेकिन उनकी रक्षा नहीं कर पाता। मैंने उसके लिए दो गार्ड दिए थे डॉक्टर। वो गुंडों को नहीं रोक पाए तो गलती उनकी थी या आपके डिपार्टमेंट की? और फिर सजा किसको मिली? किसको मिली सजा? चूंकि पूजा स्टेज की आर्टिस्ट थी इसलिए पहले से मैं उसको जानता था। माँ बाप तो है नहीं, पहले से उसकी जिंदगी वीरान थी, अब तो उसकी जिंदगी में अंधेरा ही छा गया। कुछ लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और दुश्मन तो उसे मार ही डालेगा। फिर आगे उसकी बर्बादी का जिम्मेदार कौन होगा? किसी के भी जिम्मेदार होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो बर्बाद ही नहीं होगी। भोले भाले लगते हैं। एक एक थोड़ी, पहले छह आना चाहिए। एक गया। अरे सुनो, कोई बकरा आ रहा है, तू मेरी घड़ी कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, आपने ही चुराई होगी। क्या मतलब, मेरे जेब में किसी घड़ी निकलती है? हाँ। क्या ये कहाँ से आई? घड़ी दीजिए मेरी। मगर नहीं, हाँ लेना यार, घड़ी दीजिए ना। लेना जा। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या है? मिनिस्टर साहब घर में हैं। तुमने मिनिस्टर साहब को कभी देखा है? जी नहीं। फिर कैसे पूछ लिया कि मिनिस्टर साहब घर पे हैं? हो सकता है कि मैं ही मिनिस्टर हूँ फिर। खड़े रहो, मेरा मतलब है कि उनमें और मुझ में कुछ ज्यादा फासला नहीं है, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ।
उनमें और मुझ में इतना ही फर्क है जितना मुझ में है तुझमें और तुझमें है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं खुद नहीं समझा तो तुमको क्या समझाऊं? बोलो क्या काम है सर। मेरी एक लड़की है। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। मैं शादी की नहीं, मैं उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाना चाहता था। मेडिकल कॉलेज में? जी आपको मालूम है मेडिकल कॉलेज की सीट कितनी महंगी है? एक लड़का 105% लेके पास हुआ था। 105? 100 लिखाई के 5 सफाई के। सफाई के? अरे कुछ लिखाई नहीं तो सफाई नहीं हुई यार। तो उसने 5 लाख रुपया भरा तब जाके उसको सीट मिली। तुम्हारे पास 5 लाख रुपया? अभी सीट दिलाता हूँ। सर 5 लाख रुपया तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखे। सपने में भी नहीं देखे? भिखारी लगता है। चलो मेरे दिल में रहम है, मैं तुम पर रहम खाता हूँ। 1 लाख रुपया तो सीट दिला देता हूँ। सर मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ना, वहाँ के तमाम मकान बेच दिए जाए, उन मकान में रहने वालों के सारे कपड़े लत्ते बर्तन सारे बेच दिए जाए, उन लोगों को भी बेच दिया जाए, तो भी 1 लाख रुपया इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अनाथ आश्रम में रहता है क्या बे? अबे 50,000 दे सकता है कि नहीं? सर 40 साल हो गए मुझे नौकरी करते करते, अब तक मेरे प्रोविडेंट फंड में 50,000 नहीं जमा हो पाए। साला अबे 5,000 देगा? मेरी औकात नहीं है। 500 रुपया देगा? तनख्वाह नहीं है मेरी। अबे तो तेरी औकात कितनी है? 5 रुपए की। होम मिनिस्टर का पीए और 5 रुपए रिश्वत? थू 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 हट, इसे तो ईमानदारी अच्छी है। अबे हम लोग वो लोग नहीं है जो 5 रुपए और 5 लाख रुपए के लिए ईमान बेच देते हैं। हम देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। मगर मेरा एडमिशन। मैं निकल, तेरी मेरी बच्ची का जेल करा दूंगा तुमको। हमारा ईमान खरीदते हो? हम जैसे सच्चे लोग जिन्होंने कभी आज तक रिश्वत नहीं ली। निकलो हवलदार, पुलिस वाले गिरफ्तार कर लो। बताओ 5 रुपए रिश्वत देता। अरे सिद्धांत कहाँ है? यहाँ बाबू जी। आओ बेटे आओ, बैठो। सिद्धांत मैं सोचता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बहू को लेकर तुम किसी अच्छी जगह पे चले जाओ। ये हुई ना कोई बात, और ये शुभ कार्य आज ही कर डालिए। क्यों भैया कुछ बोलते ही नहीं है? कैसे बोलेगा, ये तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। ये जानता है कि इलेक्शन के हंगामे शुरू हो गए हैं। बाबूजी इलेक्शन में खड़े हैं, कितना काम है यहाँ पर। क्या नंदू बराबर है ना? इतना काम है तो छोड़ दीजिए बाबूजी, इन्हें काम करने दीजिए। अरे मेरे इलेक्शन की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? मैं देख लूंगा। और वैसे भी तुम सरकारी अफसर हो, तुमसे 1 वोट से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। बहू एक से कई सदमों से गुजरी है, जरा बाहर जाएगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। और तुम ये क्यों नहीं सोचते, नई नई दुल्हन के कुछ अरमान भी तो होते हैं। हाँ, और उन्हें पूरा करना ये भी तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हसी है?
तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। ओ सौ फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, सौ चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम। Shastri ji ko Vote off!
जी को, लालदान को, शास्त्री जी को। आदर्श वर्धन को, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, आदर्श वर्धन को, आदर्श वर्धन जिंदाबाद, शास्त्री जी को, लालदान को, आदर्श वर्धन को। आगे चलिए, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। एक घर तो दो ना, अच्छा थोड़ा फूल तो दो। अरे क्या कंजूस लोग यार, मेरी चमचागिरी तो रहेगी, मैं मंत्री जी के हार कहाँ से लेके जाऊँ? अरे मेरा हार कहाँ गया? आपके पास मेरा हार कैसे आया? उड़ के, मेरे पास पैसे नहीं थे ना तो। अब मैं क्या मंत्री जी को पहनाऊंगी? अरे तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाहें हैं, बाहों का हार पहनाओगे तो मंत्री जी खुश हो जाएंगे। मैं इस वो हार पहना क्या जाता हूँ? अरे अरे अरे, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन, श्री आदर्श वर्धन। आप जिस आदमी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, ये तो नहायत ही बदतमीज आदमी है। मोहतरमा, आज के जमाने में जो बदतमीज बदमाश होता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करता है। क्यों सर? तुम तो शास्त्री जी के प्यादे हो। हूँ नहीं था, वो भूकंप आने से पहले जानवर कैसे गांव छोड़ के भाग जाते हैं, उसी तरह शास्त्री जी के इलेक्शन आने से पहले ही मैं उनकी नौकरी छोड़ के भाग गया, अभी आपकी शरण में आ गया हूँ। सर इसकी कोई मदद मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गद्दार आदमी है। सर जो ईमानदारों से गद्दारी करेगा वो गद्दारों से ईमानदारी करेगा, ये बहुत बड़े झूठे ने कहा है। आदमी दिलचस्प भी हो और चालाक भी, आज से तुम हमारे प्यादे हो। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मैं इलेक्शन जीत गया, मैं मंत्री बन गया। आपने मुझसे कहा था कि यज्ञ में कुछ भस्म करो, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी वर्दी भस्म कर दी। फिर आपने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारे पास जो भी अस्त्र शस्त्र हो उसका इस्तेमाल करो, इसलिए मैंने बाबूजान और रोजी के गुंडों का इस्तेमाल किया और इलेक्शन जीत लिया। और ये मंत्री जी की तरफ से आपके हुजूर में 38 लाख का नजराना। लेकिन मैंने तो 40 दिए थे। 2 लाख का बैग भी लिया ना? 2 लाख आ गया ये क्या? नहीं, बैग लिया 2 लाख। अरे सिद्धांत आ गए, बहू कैसी है? वो अच्छी है। आप सुनाइए, इलेक्शन में ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया ये सब? जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है सिद्धांत,
इस इलाके के इलेक्शन में खड़े होने के लिए या तो आदमी को गुंडा बनना पड़ेगा या तो सिर्फ गुंडे ही इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे। नारायण नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच कहा। इन्होंने भी इलेक्शन जीतने के लिए गुंडागर्दी की, बम मारे, बूथ कैप्चरिंग की, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि मैं आपके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया हूं। आप मेरे पुराने मालिक हैं और आप ही की कुर्सी मुझे मिली है। मैं तो यहां पर सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दीजिए मुझे। नहीं देना कोई बात नहीं, वो क्या कि मैं जरा जल्दी में हूं, मीटिंग का वक्त हो गया है। आइए आप चलिए, मैं दो मिनट में आता हूं। क्या मेरे पुराने मालिक है ना, मैं भी जरा आशीर्वाद लेकर आता हूं। जल्दी आ जाना, बस अभी है। मालिक मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। ये जो मेरा नया मालिक है ना, ये जितना कमीना है, जितना 420 है, जितना बेईमान है, जितना खबीस है, उससे ज्यादा हो जाए, ताकि इसके घर में दौलत की गंगा बह कर आए, उस गंगा में थोड़ा सा नहा लूं। मुझे अभी तो कुछ मिला नहीं है, एक मरे आदमी की टोपी मिली है खाली। ये आशीर्वाद तो आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। तुमने मुझे सब इंस्पेक्टर की वर्दी में देखा था, आज इस हाल में देख रहे हो, क्या ख्याल है तुम्हारा? लोग कहते हैं इस देश में सोने की चिड़िया रहती थी, उस चिड़िया के पर किस किस ने नोचे और उसे मार डाला, ये तो मैं नहीं जानता। हां मगर मैं इतना जरूर जानता हूं, वो सब के सब तुम्हारी तरह स्वार्थी और नीच होंगे। इंस्पेक्टर, जब से नेता बना हूं, गालियां और तालियां दोनों का बहुत मजा आ रहा है। और वैसे भी मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी और आज मैं मिनिस्टर हूं। इंस्पेक्टर, तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। मेरा श्राप हमेशा तुम्हारे लिए श्राप रहेगा। चोला और कुर्सी बदल जाने से आदमी की जन्म कुंडली नहीं बदलती। और एक बात याद रख लो कि चोले और कुर्सी के साथ साथ अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला, तो जो खेल मैंने तुम्हारे साथ बंद कमरे में खेला था, वो मुझे सरेआम खेलना पड़ेगा। वो खेल तुम बंद कमरे में इसलिए खेल सके इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम्हारे सर पर तुम्हारे बाप का साया था और उस वक्त तुम्हारा बाप होम मिनिस्टर था। लेकिन अब मिस्टर आदर्शवर्धन, सिपाही को किसी साये की जरूरत नहीं होती, वो चल चलाती धूप में भी अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। बहुत गुर्रा रहा है, लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पे मजबूर कर दूंगा। अभी अभी अंदर तुमने मेरे बाबूजी के पांव छुए, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम यहां से सही सलामत। मिस्टर सिद्धांत, आजकल हर मिनिस्टर की सिक्योरिटी पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। एक नए मंत्री जी ने अपने बॉडीगार्ड के लिए तुम्हारा नाम दिया, जिसे हमें मानना ही पड़ा। कल से तुम उनके बॉडीगार्ड रहोगे। वो मंत्री हैं श्री आदर्श वर्धन। लेकिन याद रख इंस्पेक्टर, एक दिन मैं तुम्हें अपने पीछे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाने पर मजबूर कर दूंगा। सर, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें एक रात और देता हूं ताकि तुम अपने फैसले पर गौर कर सको। सिद्धांत, मैं जानता हूं तुम आदर्श वर्धन को पसंद नहीं करते, तुम्हें उससे नफरत भी है, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। एक इंस्पेक्टर होने के नाते इन सब बातों से ऊपर उठकर तुम्हें सोचना होगा। देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है।
देखो बेटे, ड्यूटी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी रोते हुए भी निभानी पड़ती है। पूजा, मैंने एक फैसला कर लिया है। आप सो रहे थे या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था पूजा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आदर्शवर्धन का बॉडीगार्ड बनूंगा। सिद्धांत, क्या सोचकर ये फैसला किया है आपने? आदर्शवर्धन के रावण राज्य को तबाह कर देने की सोची है मैंने। जनता के सामने उस सफेद पोश भेड़िए के काले कारनामों पे से नकाब उठा दूंगा मैं, मगर उसके लिए उसके खिलाफ सबूत मिलने चाहिए जो कि सिर्फ उसके साथ रहकर ही मिल सकते हैं। मैं जानती हूँ आप उनके साथ रहकर बहुत टेंशन में जिएंगे। क्या सबूत पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या ये करना जरूरी है? बहुत। जिस कश्ती में सुराख करके उसे डुबो देना हो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस कश्ती में बैठ जाया जाए। इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था, इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो ये सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी। जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं, नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम खम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया, वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम, इसे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजुओं में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवायफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे, आइए साहब बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवायफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवायफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते, इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुजदिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा, ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर।
तुम यहीं ठहरो। ये आलिशान बंगला मुझे सरकार ने दिया है, आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। खड़े रहो वहीं दरवाजे पर। लड़कियों शर्माओ मत, अंदर आओ। कन्हैया कल का प्रोग्राम बताओ। 10 बजे दलाल राय से मीटिंग है, जो आपको 10 लाख रुपया देने वाले हैं। उनको गारमेंट फैक्ट्री खोलना है। खोल दो सब कुछ खोल दो। आजा। आपने उनको बियर की फैक्ट्री का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। दे दो लाइसेंस दे दो, जो चाहिए दे दो। एक बजे काला घोड़े पर एक मूर्ति के चेहरे से घूंघट हटाना है। ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट। इंस्पेक्टर सिद्धांत इधर आओ। इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिये लेकर आओ, जल्दी। तू नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ठगने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपलेश्वर अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था। बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नकम्मी और बेईमान होती जा रही है, इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं। मेरे इंतकाम की कहानी का पहला अध्याय पूरा हो गया पिताजी। लेकिन पिताजी, अंजाम ये नहीं है। अंजाम ये है कि जिस तरह गांव वाले फसल काटते हैं, उसी तरह से मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के खानदान और नस्ल को काट दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, एक मिनट, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सिद्धांत, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे ये भूल किस लिए?
तुझे क्या कहा होगा? पता नहीं, बताओ ना। देखो मेरा ये दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ? सोचो क्या कहा होगा? पता नहीं, बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। तुम सोच के बताओ ना। मालूम नहीं, बताओ ना। मैं जो हूं ना। हाँ? और तुम जो हो ना। हाँ? अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम माँ बनने वाली हो। और अब लिखो, मिस्टर करण सिंह, जयपुर। अरे बिंदिया, जरा बहू का हाथ तो बटाओ। इनकी शादी हो रही है और ये कार्ड खुद लिखे, क्या ये अच्छा लगेगा बाबूजी? जब भाभी के माँ बनने के दिन करीब आ जाएंगे तब मैं इनको आराम करने दूंगी और खुद ही काम कर लिया करूंगी। चुप, जो भी मुंह में आता है बक देती है। नारायण नारायण। वाह, क्या बात है, यहाँ तो खुशियों के लड्डू बट रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, कैसी है? ठीक हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ? वक्त वक्त की बात है, पहले मेरा मालिक बहुत ईमानदार आदमी था तो मैं कड़का था, अब बहुत बेईमान है इसलिए मेरे पास बहुत माल है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अवश्य बैठेंगे, अब देखिए हम कैसे बैठते हैं। कन्हैयालाल ठीक से बैठो। बैठो नहीं, बैठिए। बैठो का जमाना गया, जब कुछ लोग मुझे कहते थे बैठो और मैं सुकड़ के बैठ जाता था, अब लोग मुझे इज्जत से कहते हैं कि बैठिए और मैं शान से फैल जाता हूँ। हंस लीजिए, होता है, मैं सोफे से गिरा कम से कम उठ तो गया, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुर्सी से गिरते हैं तो कुर्सी के साथ खुद भी गायब हो जाते हैं, मैं कम से कम खड़ा तो हो गया। बहना, कभी कार की जरूरत पड़े ना तो घबराना नहीं, खाली मुझसे कह देना। अच्छा, तो आपने कार भी ले ली? क्या करे, आदमी जब बंगला लेता तो कार तो जरूरी हो जाती है ना। भाई साहब, आपने बंगला भी खरीद लिया? हाँ, वो क्या है, मैंने एक बिल्डर को 20 करोड़ का ठेका दिलवाया तो उसने दलाली में मुझे एक छोटा सा बंगला तोहफे में दिया और वो बंगला मैंने जेब में रख लिया। तो यूं क्यों नहीं कहते कि माला माल होने के साथ साथ तुम दलाल भी बन गए? तो क्या हुआ, लो आजकल के जमाने में दलाल होना इज्जत की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। दलालों की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे छपती है, वो चाहे फिर शेयर बाजार का दलाल हो या कोठी का दलाल हो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। एक बात बताओ, तुम्हें शादी में क्या तोहफा चाहिए? गेट आउट। ये कहाँ चला गया? वो चार लड़ियां वहां पर ठीक से लगाने पड़े। अरे ये क्या कर रहे हो? डबल ड्यूटी कर रहा हूँ, इकलौती बहन की शादी है, आज मैं फूल भी लगाऊंगा, कुर्सियां भी बिछाऊंगा, हर काम करूंगा मैं। लो पहले ये फोन लो बेटा। ये जरा ठीक से देखना। हेलो, इंस्पेक्टर सिद्धांत हियर। इंस्पेक्टर साहब, एक ट्रक पर देशी शराब लोड है, वो पूना की तरफ जा रही है, उस ट्रक का नंबर है MDT 7611। Thank you.
हूँ, मैं बताता हूँ, मैं आनंद बाबू के यहाँ काम करता हूँ। कौन आनंद बाबू? वही जिनकी शादी आपकी बहन के साथ हो रही है। सुखी रहो बेटा। बेईमान, तेरी ये हिम्मत। शट अप यू, इसमें कोई बोला नहीं। साले कुत्ते, मुजरिम चाहे मेरा बाप हो, मेरी माँ हो, मेरा भाई हो या मेरी बहन, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ दगाबाजी की, जानबूझ के इसके बाप ने इसकी शादी मेरी बहन के साथ की, ताकि ये लोग कानून की आंखों में धूल झोंक सके, ताकि ये लोग कानून को ढाल बना के इस्तेमाल कर सके, ताकि ये लोग बहन के जरिए एक खुददार भाई को मजबूर कर सके, उसको दबा सके। मगर मैं इन लोगों के चला के चलने दूंगा, एक एक करके इनके सारे सपने तोड़ दूंगा मैं। और तुम्हें, तुझे तेरे हर जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। दामाद वामाद तेल बेचने का, चल मेरे साथ चल। ट्रांसपोर्ट का मालिक तू ही है ना? हाँ। उसमें तेरा ही माल जाना था ना? जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की शादी एक मुजरिम से होने जा रही है तो मैं पागल हो गया। और जब मैं मंडप पहुंचकर शादी रोक नहीं पाया तो मुझे गुस्से का दौरा सा पड़ गया। इसीलिए बहुत सख्ती से मैं तुम्हें कुछ कह गया। आयमा, तुम हमेशा से मुझे माफ करती आई हो, एक बार और माफ कर दो। और अगर माफ ना कर सको तो मेरी गलती की सजा दो मुझे, मगर इस तरह खामोश खड़ी मत रहो।
यूं खामोश मत खड़ी रहो। सिद्धांत, बस कर सिद्धांत, बस कर। तुम्हारी तरह पांव पर गिरने वाली बेटी तो जन्म देने वाली माँ को भी मुश्किल से मिला करते। मैं तुमसे नाराज थी ना, इसमें दोष मेरा भी था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना ही दर्द याद रखा और तुम्हारा दर्द भूल गई। आओ, हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे। क्यों मिस्टर सिद्धांत, आज तुमने चिरागों को जलाते जलाते अपनी भी उंगलियां जला ली ना? अरे बेवकूफ इंसान, तुमने इतना भी नहीं सोचा, जिस शख्स के पास सैकड़ों ट्रक हो उसके पास इतना वक्त कहां कि वो चेक कराता फिरे कि कौन से ट्रक में कौन सा माल जा रहा है। दरअसल मेरे ही इशारे पर तुम्हारे जीजे के ट्रक में देसी शराब लोड करवा दी गई थी, और फिर उसके बाद मैंने बड़े इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ तुम्हें खबर करवा दी। दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने जमानत देकर तुम्हारे जीजे को रिहा करा दिया है। अब वो लोग मुझे महान समझते हैं और तुम्हें उनका दुश्मन। थैंक यू। तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, आ रहा है ना? अरे कुछ बोलो भाई, बोलती बंद हो गई। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सुअर पैदा होता है। और जब 1000 सुअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1,00,000 भड़वे मरते हैं तब तुझ जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है आदर्श वर्धन। चुप हो गए? अरे तुम जैसे पुलिस ऑफिसर सिर्फ गाली देकर चुप नहीं बैठे रहते, आगे कुछ एक्शन भी लेते हैं। बोलो तुम मेरे खिलाफ क्या एक्शन सोच रहे हो? ससुराल के बारे में सोच रहा हूं मैं। पहले अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। मैं जानता हूं तुम यहां किस लिए आए हो। पहले तुम अपनी गलती की माफी मांगोगे ताकि तुम अपनी बहन को यहां छोड़कर जा सको। ये याद रखो, ये मामला इतनी आसानी से तय नहीं होगा इंस्पेक्टर। एक इंस्पेक्टर को अपने फर्ज के लिए जो कुछ करना था वो तो कर गुजरा, अब एक भाई को अपनी बहन के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो भी करूंगा। तुमको मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। मांग लूंगा। सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं, पांव पर गिरकर माफी मांगनी होगी। वो भी करूंगा। ठहरो, तुमने सरेआम मेरे बेटे की और हमारी बेइज्जती की है, इसलिए तुम भी सरेआम माफी मांगोगे। पिताजी चुप रहो। मैं इतनी जल्दी बारातियों को तो बुला नहीं सकता, अपने घर के नौकरों को बुला लेता हूं। रामू, मुखिया, सुखिया, तुम्हें मेरे नौकरों के सामने इसके पांव पे सर रखकर माफी मांगनी होगी। बोलो तैयार हो? सुहाग के कंगन का वजन राखी से ज्यादा होता है, मैं तैयार हूं। नहीं, ये तैयार नहीं है। नहीं भैया, तुम ऐसा मत करो। तुमने तो गलती की थी, मगर ये तो जानबूझकर गलत कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अपने भाई को इतना ज्यादा नीचे गिराने से तो अच्छा मैं ये समझूंगी अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर फेंक दो। चलिए भैया, बिंदिया, चलिए यहाँ से। चेयर्स। बताइए, मुझे किस लिए याद किया? तुम इंस्पेक्टर सिद्धांत को नौकरी से निकाल दो, मुझे सुबह तक ये न्यूज चाहिए कि सिद्धांत को नौकरी से निकाल दिया गया है। सॉरी सर,
मैं वो तोता नहीं जो ज्योतिष के इशारे पर किसी के नाम की पर्ची निकालने के लिए बाहर आता है और फिर अपने पिंजरे में चला जाता है। मुझे इजाजत दीजिए। लगता है इस तोते ने ईमानदारी के दाने कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं। भाभी को लड़का हुआ है। भैया मुबारक हो, आप बाप बन गए हैं। कांग्रेचुलेशन बेटा, मुबारक हो सर। थैंक यू सर, मुबारक हो। थैंक यू सिद्धांत, आओ बेटा। पूजा सिद्धांत, भैया हमारा मुन्ना प्यारा है ना? अरे ये तो लाखों करोड़ों में एक है। ला बेटी, चल इसे काजल लगा ले। आई आई अम्मा। अरे ले ले। अरे मेरे राजा सिद्धांत। सिद्धांत उसकी आंखें कैसी हैं? काश मैं अपने बच्चे को देख पाती। बताओ ना सिद्धांत, मैं कभी अपने बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं? पूजा बताओ ना, मैं कभी उसे देख पाऊंगी या नहीं? बताओ ना सिद्धांत, बताओ मुझे। बहुत जल्द देख पाओगी। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भटनागर ने इनकी आंखों का टेस्ट लिया था और उनका कहना है कि अगले महीने इनकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। अगले महीने के डॉक्टर साहब, कल क्यों नहीं? इतनी जल्दी मत करो इनका ऑपरेशन कराने में, क्योंकि अभी ये कमजोर हैं और एनेस्थीसिया देने के काबिल नहीं है, इसलिए इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पूजा तुम दूध और फलों पर ज्यादा जोर दो, खूब खाओ पियो ताकि तंदुरुस्त हो जाओ, और अगले महीने जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 100% कामयाब होगा। चला तुमने, अब तुम रोना नहीं है। आया मां, अभी आया। सुना आप लोगों ने, डॉक्टर साहब का कहना है कि पूजा की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी। अरे वाह, भगवान करे किसी की बुरी नजर न लगे। सुना तुमने, डॉक्टर साहब का कहना है कि तेरी भाभी की आंखों की रोशनी अब दोबारा लौट आएगी, वो सब कुछ देख सकेगी। अरे सोच के रह जा, जाके मुबारकबाद दे उसे। मैं ये दोनों खुशखबरी बाबूजी को फोन पर देता हूँ। माफी नहीं दी जाती, उसके लिए सजा दी जाती है। अब क्या होगा? अगर वो अंधी देखने लगी तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा और हम सब पकड़े जाएंगे। हम तो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेंगे। मर जाएगा बेचारा ये। तुम ठीक कहते हो बाबूजान, मैं सचमुच मारा जाऊंगा। तुमको इस मुसीबत से बचाने के लिए सिर्फ एक ही दवा बाकी है। क्या? जहर। तुम अपनी भाभी को जहर पिला दो। ये काम मैं कर सकता हूं। दूध, वो रोज दूध पीती है ना, उसके दूध में मैं जहर मिला दूंगा। अरे अंधी तो है ही, मुझे देख भी नहीं पाएगी। उसके दूध में जहर मिला दूंगा। लेकिन लेकिन मेरी बहन हमेशा उसके साथ रहती है, फिर तो मैं जहर नहीं दे पाऊंगा। मेरी बहन के होते ये काम नहीं कर पाऊंगा मैं। डोंट वरी, दूध में पड़ी मक्खी को भी हम निकलवा देंगे। मिस्टर गोवर्धन। हाँ जी। अगर आप लोग जरा सा भी मेरा एहसान मानते हैं तो मेरी एक बात मान लें। जी कहिए। आप लोग सीधा शास्त्री जी के घर जाएं और उनसे कहें कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाएं। शास्त्री जी, आज हम अपनी बहू को घर ले जाने आए हैं। अगर किसी दबाव या मजबूरी के बिना अपनी इच्छा से आए हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं।
पहली तारीख है ना, तुम अपने पैसे लेने कल आना। आज घर के सारे लोग जब मैं आपके घर पे जा रहा था तो किसी ने पीछे से मेरे सर पर ऐसा वार किया कि मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो वहां कोई भी नहीं था, दूध की थैली भी गायब थी। पूजा, मैं सिद्धांत बोल रहा हूँ। देखो, घर में जो दूध आया उसे हाथ मत लगाना, उसमें कुछ भी हो सकता है, जहर हो सकता है, ये किसी की साजिश है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हेलो पूजा, हेलो पूजा, तुम सुन रही कि नहीं? पूजा पूजा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हेलो हेलो पूजा, उसमें जहर हो सकता है, किसी की जान जा सकती। फोन किसने उठाया? हेलो हेलो, फोन किसने उठाया? Thank you.
मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि दुनिया में अक्सर यही होता है, जिसे मर जाना चाहिए वो जिंदा रहता है और जिसे जिंदा रहना चाहिए वो मर जाता है।
तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर हुआ क्या है? यही कि तुम्हारी भाभी जिंदा है और बच्चा मर गया। बंद करो। I said stop it. Get out. मुझे हर रोज पहली खुशी तब होती है जब तू मुझे सलाम करता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आखिरी खुशी भी मैं ही दूं। खुशी और तू? अरे जो खुद खुशी के मामले में कंगाल हो वो दूसरों को क्या खुशी देगा? रात के अंधेरे में डूबा हुआ चांद रोशनी की भीख ज्यादा बांटता है। अरे उदासी में तो तू फिलोसोफर की तरह बातें कर रहा है। मैं उदास नहीं, परेशान हूं। मेरी बीवी की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, मेरा उसके पास रहना बहुत जरूरी है। नहीं, तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। पब्लिक मीटिंग के अंदर इतनी पब्लिक होगी, पब्लिक का क्या भरोसा? मुझ पर हमला कर दे, मुझे मार दे। अगर तुम्हारी पत्नी मर गई तो तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा गया तो इस देश को मेरे जैसा नेता कहां से मिलेगा? लेकिन फिर भी अगर तुम अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। वक्त ने हमेशा मेरी कठिन परीक्षा ली है और कठिन परीक्षा में पास हो जाना मेरी बुरी आदत है। चलिए सर। बाबूजान, मैं आदर्श वर्धन बोल रहा हूँ। सिद्धांत को मैं अपने साथ मीटिंग में ले जा रहा हूँ। उधर उसकी बीवी की आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा मौका है। उसकी आंखों की रोशनी के साथ साथ उसकी जिंदगी की भी रोशनी बुझा दो। इतनी कम भीड़ क्यों है? ये शास्त्री जी का इलाका है, आपको याद नहीं पिछले बार इलेक्शन में आपको बहुत कम वोट मिले थे यहाँ से? आज शास्त्री के इलाके में शास्त्री की इज्जत की अर्थी ना निकाली तो मेरा नाम भी आदर्श वर्धन है। नंबर 14 में कुछ लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मंत्री बनने के बाद मैंने जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन यह गलत है, बिल्कुल गलत है। मुजरिम मैं नहीं, मुजरिम है शास्त्री जी, क्योंकि जब वो मंत्री पद पे थे उन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया था। वो रिश्वतखोर थे, बेईमान थे, उन्होंने सरकारी खजाना बिल्कुल खाली कर दिया था। इंस्पेक्टर सिद्धांत सर, आप
हमारा जूता लेकर आओ, वो सीढ़ी पे छूट गया है। बुरा तो नहीं लग रहा है ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना। सच्चाई से भागते रहोगे आप लोग कब तक? अभी तो आप लोगों को कई समुंदर कई तूफानों से लड़ना है। याद रखो, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। मैंने यहां पर कोई जुल्म नहीं इंसाफ किया है, इंसाफ, मगर उस इंसाफ में जरा सी कमी रह गई। मुझे आदर्शवर्धन को उसके नए जूते से नहीं बल्कि किसी गरीब की फटी पुरानी कील निकली हुई चप्पल से मारना चाहिए था, चप्पल से, इसलिए कि खून चूसने वाले खटमल से ज्यादा खतरनाक होता है दीमक जो हड्डियां तक चूस जाता है। और यह आदर्शवर्धन देश और समाज के उसी खतरनाक दीमक की तरह है जिससे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। जैसे नेता ने सिर्फ स्टेज पर नहीं बल्कि सारे देश में आग लगा रखी है, और यह आग की लपटें मुझे सच्चाई बोलने से रोक नहीं सकती। और सच्चाई यह है कि आदर्शवर्धन ने मिस्टर बाटलीवाला से 30 लाख रुपए लिए उसे बियर फैक्ट्री का लाइसेंस लेने के लिए, बिल्डर चौधरी से 1 करोड़ रुपए लिए उसे काली चौकी की बस्ती जलाकर वहां पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए। अब बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई कि आप लोग जान जाएं कि गुंडों का रखेल कभी गरीबों का रखवाला नहीं बन सकता। अगर भी आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं और आदर्शवर्धन सही है तो ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल, मैं ये वर्दी हंसते हंसते उतारने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। Yeah.
डॉक्टर हरामजादे। स्वामी जी हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। लूट के आ गए बल्कि पिट गए। स्वामी जी से क्या छुपाना, वो तो अंतर्यामी है, बोलो ना। हाँ स्वामी जी, इंस्पेक्टर सिद्धांत ने हमारा सब कुछ लूट लिया, उल्टा इनके सारे पोल खोल दिए, सब अखबारों में छप गया, जनता तो जूते लेके इनको ढूंढ रही है, और इनकी पार्टी ने तो मंत्री पद से भी हटा दिया, मुंह छुपाने को भी जगह नहीं बची अब तो। काजल के कोठरी में रहोगे तो कभी ना कभी तो दाग लगेगा। आप लोग निश्चिंत मेरे आश्रम में विश्राम कीजिए, मैं दिल्ली के नेताओं से बात करूंगा, हर दाग मिटाने की कोई ना कोई दवा अवश्य होगी। स्वामी जी, अगर मैं इस आफत से निकल गया तो मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के परिवार के हर एक आदमी का कत्ल कर दूंगा। नहीं नहीं, अरे ये क्या बात हुई, तुम्हारी दुश्मनी इंस्पेक्टर सिद्धांत से, उसके परिवार के बेगुनाह को क्यों मारोगे तुम? तुम चुप रहो। नहीं नहीं, देखो, बेईमानी करना, कालाबाजारी करना एक बात है, लेकिन अगर तुम किसी के खून की बात करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शट अप! नहीं नहीं, मैं चिल्लाकर सारी दुनिया को बोल दूंगा। चिल्लाएगा तू? चिल्लाएगा ये? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मेरे पुराने मालिक ने कहा था कि बेईमानी करोगे तो एक दिन इतने जूते पड़ेंगे कि टकला निकल आएगा। जूते तो पड़ गए, टकला भी एक दिन निकल ही आएगा। देवी माँ, आज बहू की आंखों की पट्टी खुलने वाली है, उसकी आंखों को रोशनी दे दे। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। सिद्धांत, मैं देख सकती हूँ, सिद्धांत मैं देख सकती हूँ, सिद्धांत पूजा, सिद्धांत मैं सब कुछ देख सकती हूँ, सिद्धांत मैं सब कुछ देख सकती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बेटी अब आया माँ है ना? हाँ बेटी। और तू बिंदिया? और ये तुम्हारे पति? नमस्ते भाभी जी। मेरे देवर जी कहाँ है? अरे हाँ, नंदू कहाँ है आज? वो कहीं जरूरी काम में फंस गया होगा। अरे उसको। और बाबूजी? बाबूजी? मेरे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, 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 बाबूजी,
जी, मेरी आंखें वापस आ गए बाबूजी। बाबूजी, अब मैं आपकी हर चीज संभाल के रखूंगी, आपकी कोई भी चीज गुम नहीं होने दूंगी। सिद्धांत बहुत खुश हुआ होगा ना? हाँ बाबूजी, वो बहुत खुश है, बहुत खुश। आज बहुत दिनों के बाद दुनिया देखी तो बहुत अच्छी लगी। काश मैं अपने बच्चे को भी देख पाती। पूजा, पूजा। हाँ, ये गम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। मैं ये कैसे कह दूं कि इस दुख में तुम नहीं रो, और ये भी कैसे कह दूं कि तुम रोती ही जाओ। आओ, कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। शादी का एल्बम दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, देखो ये तस्वीर में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। किसी ने तुम्हें रोका नहीं कि तुम एक अंधी लड़की से शादी क्यों कर रहे हो। अरे नहीं पगली, बल्कि मेरे इस फैसले से सभी घर वाले बहुत खुश थे। ये देखो बाबूजी कितने खुश नजर आ रहे हैं। आया माँ। हाँ। अपनी बिंदिया। हाँ, ये देखो। इसकी तस्वीर इस एल्बम में आपने क्यों लगा दी? क्या मतलब? ये ले, लगा दे इंजेक्शन, बेहोश हो जाएगी हरामजादी। नहीं। पूजा, क्या हो गया तुम्हें? ये उन बदमाशों के ग्रुप का आदमी है जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रही हो पूजा तुम? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे गलत काम करते हुए। किस तरह का गलत काम करते हुए देखा तुमने इसे? ये उन लोगों में से है जो लड़कियों की नंगी फिल्में बनाता है। एक बार ये लोग मुझे भी उठा कर ले गए थे और मेरे साथ इस तरह की ज्यादती करने की कोशिश की थी। तब किसी तरह मैं वहाँ से भाग गई थी और वहाँ तुम मिले थे, याद है तुम्हें? तब यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था, यही मेरी तस्वीरें खींच रहा था। नहीं बन जाइए, अगर मुझे पता होता कि वो आपका भाई है तो मैं आपको ये सब कभी नहीं बताती। आपको मेरी कसम, दोनों को माफ कर दीजिए। मुजरिम को माफी नहीं, उसे सजा दी जाती है। सिद्धार्थ, रुक जाओ, रुक जाओ सिद्धार्थ, रुक जाओ। रो मत बेटी, रो मत। पश्चाताप के आंसू तो मुझे बहाने चाहिए। इस घर में राम के भाई के रूप में लक्ष्मण की जगह रावण ने जन्म लिया। बाबूजी, पता तुम लोग फिल्म बेचते करी? हाँ, हाँ? किससे खरीदते हो? आपके भाई, आपके भाई नंदू से। और कौन कौन आ रहा उसके साथ? और मैंने मंत्री आदर्शवर्धन के साथ उनको देखा है। वो अक्सर यहाँ उनके साथ गाड़ी में आते जाते रहते हैं। कहाँ ब्लू फिल्म बनाते हैं वो लोग? उन लोग का डका है? मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे मालूम है। शूट हिम। बता, आदर्शवर्धन कहाँ है? वो हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस में। Oh!
I'm sorry, baby. ये फैक्ट्री हमने इसीलिए खोली ताकि इंजीनियरिंग के सामान के साथ साथ हम आराम से ब्लू फिल्म भी एक्सपोर्ट कर सके और किसी को कुछ भी पता ना चले। वो तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने दिल्ली बात की कि नहीं? तुम फिर मिनिस्टर बन जाओगे, तब तक तुम यही फैक्ट्री में रहना, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आ गया स्वामी जी। खत्म करो, बचने न पाए आज। हमारा फार्मूला है कि हम पहले सहज चटा कर मारते, अगर उससे नहीं मरा तो जहर देकर मारते। तुमने हमारा सहज वाला रूप देखा है ना, अब ये जहर वाला रूप देखो। हमारा देश साधुओं और फकीरों का देश है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा ये कमीनापन सिर्फ मैंने देखा, अगर दुनिया वाले देख लेते तो उनका तो साधु संतों पर से विश्वास उड़ जाता। लोग तो सिर्फ रुपये और इज्जत पर डाका डालते हैं, मगर तुमने हमारे विश्वास पर डाका डाला है। तुम्हें जितनी भी खतरनाक मौत दी जाए वो सजा कम होगी तुम्हारे लिए।
भैया।